फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा एयर प्योरीफाइंग इंडोर प्लांट शेयर करूंगी। इसे मैं आज डिवाइड करने वाली हूं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें मेरे दो तरह के प्लांट एक साथ ही लगे हुए हैं। जब मैंने परचेस किया था तब मेरे पास पॉट, एक्स्ट्रा पॉट नहीं थे, तो दोनों ही पौधे को मैंने एक साथ ही लगा दिया था। अब मैं इस पॉट से इन दोनों पौधों को सेपरेट करूंगी और सेपरेट करके थोड़ा स्पेस दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे पौधे इसमें निकल आए हैं। आप देख सकते हैं ये प्लांट थोड़ा लैगी सा भी होने लगा है और कुछ ज़्यादा ही लंबे लंबे हो गए हैं, तो प्लांट को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, थोड़ी नई मिट्टी में एनर्जी मिल जाएगी और दोनों पौधे को मैं सेपरेट भी कर सकूँगी। तो यही सोच के मैं आज इस प्लांट को रिपोर्ट कर रही हूँ और साथ में सेपरेट भी, तो इसी का वीडियो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे ये एक येलो पैचेस वाला जो स्नेक प्लांट है वो है, और एक ये ग्रीन वाली वेराइटी है। ये टॉल वाली वेराइटी है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट की। ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है और एयर को प्यूरीफाई करता है। बहुत ही अच्छा एक प्लांट है जिसे कि आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं, और इसीलिए फ्रेंड्स नासा ने भी रिकमेंड किया है स्नेक प्लांट एक बेहतरीन प्लांट है जिसे कि आप इंडोर अपने बेडरूम तक में भी रख सकते हैं। तो इसी को मैं डिवाइड करूँगी, दो प्लांटर में लगाऊँगी और लगा के फिर मैं इस प्लांट को अपने इंडोर ही रखने वाली हूँ। मे भी शायद मैं बेडरूम में रखूँ या फिर अपनी पैसेज एरिया में रखूँ, तो जहाँ रखूँगी मैं वो आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल मैं इसकी कर रही हूँ रिपोर्ट, और रिपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स इसमें से हम निकालेंगे, और यहाँ मैंने ऑलरेडी मिट्टी तैयार करके रखा हुआ है। मिट्टी मैं, और हमेशा ही मैंने कहा है आपसे कि मिट्टी मैं तैयार करके ही रखती हूँ। जब मुझे प्लांट लगाना होता है तो मैं बस उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाल लिया है और मिट्टी एकदम से तैयार है। और मिट्टी फ्रेंड्स, इस तरह के जो प्लांट होते हैं जो इंडोर रखे जाते हैं, इन प्लांट को फ्रेंड्स ऐसी मिट्टी ही प्रोवाइड करिए जिसमें कि पानी रुके नहीं, क्योंकि इंडोर प्लांट काफ़ी हद तक ख़राब होने की जो वजह होती है वो यही होती है कि उसमें पानी रुक जाता है, ठहर जाता है। इंडोर रहने से प्लांट की मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, इसीलिए काफ़ी बार फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है और उसी से प्लांट ख़राब हो जाता है। इसीलिए एकदम से वेल ड्रेन सॉयल बनाइए। मैं जैसे कि आप देख सकते हैं मिट्टी एकदम से भुरभुरी मैंने बना रखी है, इसमें मैंने सैंड और सॉयल को इक्वल मात्रा में रखा है, और अभी मैंने एक हिस्सा इसमें कॉम्पोस्ट ऐड कर दिया है। मेरे पास बर्मी कम्पोस्ट है इसलिए मैंने बर्मी कम्पोस्ट ऐड किया है। आपके पास जो भी खाद हो आप वो ऐड कर सकते हैं, और इसी में मैं आज इसे लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसे मैं इसमें से निकाल लूँ और दोनों प्लांट को मैं पहले सेपरेट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्लांट को मैंने निकाल लिया है, और निकालने के बाद आप देख सकते हैं कितने ही सारे इसमें, दो, और यहाँ पे भी इसमें दो, इतने पौधे मेरे इसमें बने हुए हैं। चाहे तो हम सिंगल सिंगल सेपरेटली भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी मेरे चार पौधे बने हुए हैं। जब मैंने लगाए थे शायद एक एक करके ही पौधा इसमें बना हुआ था, अब इसमें भी चार पौधे हो गए। तो इस तरह से मैंने दोनों को अलग कर लिया, अब मैं इसमें इसे लगा लूँगी। तो थोड़ी सी मिट्टी पहले मैंने खाली कर ली है, अब इसमें मैं इसे लगा लेती हूँ, फिर इसी मिट्टी को मैं इसमें फिल कर दूँगी। रिपोर्टिंग का काम हो गया। अब दोनों प्लांट को मैंने सेपरेट कर लिया, और सेपरेट करके मेरे पास दो प्लांटर भी हो गए, और इसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र वगैरह भी दे दिया कि, और न्यू मिट्टी होने पे इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी अब, और थोड़ी फास्ट भी होगी और अच्छे से भी होगी। तो इस तरह से बन गए मेरे पास दो प्लांटर। अब इसमें पहले मैं वाटरिंग कर देती हूँ, फिर मैं इसे इंडोर ले जाऊँगी और थोड़े से कलरफुल स्टोन के साथ इसे डेकोरेट करूँगी, तो वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं इसमें वॉटरिंग कर देती हूँ। तो
तो वाटरिंग का काम तो हो गया फ्रेंड्स, अब नीचे ले जाएंगे, इसे इंडोर रख देंगे। तो इस तरह से आसानी से फ्रेंड्स हम एक से कई सारे पौधे बना सकते हैं समय के साथ साथ। और इंडोर प्लांट तो स्पेशली फ्रेंड्स, ये जो इंडोर प्लांट आप देख रहे हैं स्नेक प्लांट, ये काफ़ी कॉस्टली आता है। फिलहाल इसकी रेट इतनी हो गई है मार्केट में कि आप इमेजिन नहीं कर सकोगे। एक सिंगल पौधा, जैसे कि आपने इसमें देखा मैंने चार पौधे लगाए, एक सिंगल पौधा आज के डेट में नर्सरी में 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऐसे मिल रहे हैं, और ऐसे मिल रहे हैं और इतना महंगा। जबकि मैं जब परचेस करके लाई थी शायद 40 या 50 रुपीज़ में परचेस करके लाई थी, वो भी दोनों पौधे, और अभी इतना कॉस्टली हो गया ये पौधा फ्रेंड्स। ख़रीदने के पहले कई बार सोचना पड़ता है। और एयर प्योरीफाइंग प्लांट जो इंडोर प्लांट होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए नर्सरी में। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं हमेशा आपके साथ कहती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ कि वही प्लांट परचेस करिए जो कि आप ख़रीदने के बाद फ़ायदे में रहें, आपको नुकसान ना हो, और समय के साथ साथ उससे आप बहुत सारे पौधे बना सकें। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे ये स्नेक प्लांट देख सकते हैं, इस स्नेक प्लांट को मैंने परचेज़ किया था आज से लगभग 2 साल पहले, और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने कई सारे पॉट इसके बना लिए हैं। 2 मेरे टेरेस पे रखा हुआ है और एक मेरे नीचे इंडोर रखा हुआ है। मैं ये जहाँ प्लेस करूँगी वहीं मैं आपको दिखाऊँगी। तो काफ़ी सारे पौधे मैंने इस तरह से बना लिए हैं, और एयर प्योरीफाइंग प्लांट है इसीलिए घर के हर कोने में ऐसी जगह जहाँ थोड़ी ब्राइट लाइट आती हो ऐसी जगह पे आप इसे रखिए, जिससे कि घर की हवा भी शुद्ध हो और फ्री में हमारे पास समय के साथ साथ ढेर सारे पौधे बनते जाएं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।